मीट में किसी अपने आदमी को बोलो उस लड़की के जितने भी केस के पेपर वगैरह जो है ना सब में आग लगवा दो, कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए, समझे? और पुलिस में कर दो कंप्लेंट, लेकिन सुधा क्लिनिक के खिलाफ नहीं, तो वो मानवता अस्पताल के खिलाफ। डॉक्टर स्नेहा माथुर, माता का मंदिर। कैसे लोग हैं? 24 हफ्ते, 6 महीने से इस लड़की के पेट में ये बच्चा पल रहा है। इस गर्भपात से उसकी जान तक जा सकती है। किसने किया ये काम? इसका वो वाला ऑपरेशन सुधा क्लिनिक में हुआ है जो हाईवे पे नया खुला। तो फिर ये यहाँ कैसे पहुंची? मुझे पता चला तो मैं ले आई। एक जान बचाई है उसने। घर वाले कहाँ हैं इसके? उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर इसे सुधा क्लिनिक कौन लेकर गया? गायत्री, इसकी एक सहेली है, वो ही लेकर गई थी। बच्ची है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। जी कैसे हुआ इसे? एक लड़का था, वो कहता था कि इसे अपने साथ ले जाएगा, मगर पता ही नहीं चला कि वो कब गांव से निकल गया। इसे इस हाल में छोड़कर, और ये लड़की मीना कुछ नहीं बोली इतने महीनों तक, चुप रही। डर गई होगी, या हो सकता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में जानकारी ना हो। तुम्हें कैसे पता चला? गायत्री उसकी मीर से अच्छी पहचान है, उसी से ही पता चला मुझे। वो लड़की जो रिसेप्शन पे बाहर रोते बैठी है वो गायत्री है। उसके पास मीना के घर वालों का नंबर जरूर है, तुम पता करो। ठीक है। एक मामूली सा ऑपरेशन किसी की जान का खतरा बन गया है, क्यों लोगों को समझ नहीं आता? अधूरी जानकारी होने की वजह से इस तरह हर रोज कितनी जाने गंवाते रहेंगे हम। कैसी जानकारी दीदी? यही कि गर्भपति होने पर गर्भपात 12 हफ्तों के अंदर अंदर होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 20 हफ्ते। अगर उससे ज्यादा देर हुई तो नतीजा तो तुम देख रही। दीदी इसे सिर्फ जानकारी ने नहीं बल्कि बिरादरी और समाज के डर ने भी चुप रहने पे मजबूर किया। मुझे इसमें इसकी कोई गलती नहीं लगती। गलती तो मुझे भी नहीं लगती पन्ना, पर पन्ना आखिर कब तक हम इसी दीवार से सर फोड़ते रहे? दीदी आप ही कुछ कर सकती हो, वरना ये बेचारी मीना तो डर के मारे ही अपना दम तोड़ देगी। वो सुधा क्लिनिक कौन चलाता है? पूरा अच्छे से तो नहीं पता, पर गांव में ये अफवाह है कि इसके पीछे दिगंबर का। छोड़, अभी हमारा पहला फर्ज है मीना की जान बचाना, बाकी जो आफत आएगी उससे बाद में निपटेंगे। कैसी आफत? सुनो बन्ना, भगवान ना करे अगर मीना को कुछ हो जाता है, हम उसे नहीं बचा पाते, तो इसका इल्जाम मानवता अस्पताल पर आएगा। तुम्हें क्या लगता है उस सुधा क्लिनिक में एक भी इंसान ऐसा है जो इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले? कोई भी नहीं। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा है दीदी, आफत को हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें मीना की जान बचानी है। और तुम गायत्री से मीना के घर वालों का नंबर लेके उन्हें इत्तला करो। जी।
छाती पे लदा हुआ पत्थर निकला ये दिगंबर, खुद तो मरेगा लेकिन हमें भी साथ में। आओ आओ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या कांड करके आए हो ये बताओ। अरे बाबा, वो जो लड़की आई थी ना अपने क्लिनिक में बच्चा गिराने के लिए, इसका मामला तो बड़ा पेचीदा निकला। तो मर गई क्या जो यहाँ दफनाने लेके आया है? अरे बाबा, मरी नहीं है वो, पन्ना है ना पन्ना, उसे अपने साथ ले गई है मानवता हॉस्पिटल। पन्ना उसको लेके चलेगी और तूने ले जाने दिया। अरे बाबा, हम क्या करते, हम घर पे थे, अपने मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहे थे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? ये देखिए, देखिए, ये देखिए, तब डॉक्टर ने हमको वहां से फोन किया। अब यहाँ क्या करने आए हो? घर पे जाओ और गेम खेलो, जाओ। अरे बाबा, मामला को सलटाएंगे, समझे कि नहीं? मामला बहुत सीरियस है। क्लिनिक खोलेंगे, क्लिनिक। अरे मना किया था, जिस काम की नॉलेज ना हो वो काम नहीं करना, लेकिन वो ही काम करेंगे। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल का इंसल्ट कर। अरे बाबा, आपकी ये जड़ी बूटियां, ये तावीजें कितना काम करती है, इसका ज्ञान है आपको? सुनो, मूर्ख के ऊपर मोर के पंख कभी अच्छे नहीं लगते। हम समझाते हैं तुम्हें, ये जो जड़ी बूटी है ना, ये तसल्ली का धंधा है, इलाज का नहीं, समझे? ये तसल्ली वसल्ली को छोड़िए, कुछ ठोस कदम उठाना है हमें। हमें? जी। हमें मतलब सोच करने जाओ तुम और धोए हम। बाबा ये मत भूलिए, याद रखिए कि उस क्लिनिक में आधा हिस्सा आपका भी है। सोचिए, वो लड़की लेके चली गई उसको, लेकिन पता कैसे लगा? जरूर कोई खबरी है उस क्लिनिक पे जो हमारा बुरा चाहता है, ये सोचा कभी? शायद आप ठीक कर रहे हैं बाबा, मगर कौन हो सकता है? अरे वही तो ढूंढना है कि कौन हो सकता है। हमें तो वो पन्ना का आशिक समीर, और अब ये, हमें तो पतझड़ का मौसम दिखाई दे रहा है। बाबा, हम यहाँ बैठ के बतियाते ही रहेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं। जिस दिन तुम्हें अकल आ गई ना दिगंबर, उस दिन कलयुग का आखिरी दिन समझो। अरे बाबा, हम समझे या ना समझे, ये कलयुग आवे या ना आवे, बस बाबा किसी भी तरह से, किसी भी तरह से हमको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालिए। बाबा से सीखो, अरे जल्दबाजी में गलती करना वो फिर भी माफ है, लेकिन जल्दबाजी में गलती का सुधार करना वो अकलबंदी के खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि आपने हल निकाल लिया है? वत्स, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर दुर्घटना के अंदर एक मौका छुपा होता है। तो बाबा लगे हाथ ये नहीं बता दीजिए कि वो महान व्यक्ति है कौन। हम नहीं होंगे और कौन। अब एक काम करो, क्लिनिक में किसी अपने आदमी को बोलो उस लड़की के जितने भी केस के पेपर वगैरह जो है ना, सब में आग लगवा दो, कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए, समझे? और पुलिस में कर दो कंप्लेंट। पुलिस में? अरे बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जाएं? क्रिमिनल केस है, पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, लेकिन सुधा क्लिनिक के खिलाफ नहीं, वो मानवता अस्पताल के खिलाफ। डॉक्टर स्नेहा माथुर, माता का मंदिर। बाबा क्या बात है बाबा, अरे बाबा बाबा बाबा, आप महान हो, धन्य हो आप, खुश। शुक्र है मीना अब खतरे से बाहर है। मैं जानती थी आप मीना को कुछ नहीं होने दोगे,
उसके घर वालों के बारे में कुछ पता चला? गायत्री से उसके पिताजी का नंबर मिला है। तो उन्हें फोन कर। उन्हें मीना की चिंता हो रही होगी। स्नेहा दी, आप ही बात कर लो। तो अन्ना, इस गांव में जो लोग मुझे नहीं जानते, मुझे अपना भी नहीं मानते, तुम भी ये बात जानती हो। तुम ही फोन कर। नमस्कार। नमस्कार। मैं मानवता अस्पताल से पन्ना बात कर रही हूँ। अस्पताल से? क्या हुआ पन्ना? मीना अभी तक नहीं आई है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वो ठीक है और एक आध दिन में घर आ जाएगी। लेकिन क्या क्या हुआ, क्या है उसे? आप यहाँ आ जाइए, उसकी देखभाल के लिए आपको कुछ बातें बतानी है। देख पन्ना, तुम मुझसे घुमा फिरा के बात मत कर, साफ साफ बता दे हुआ क्या है। मैंने कहा ना भंडारी जी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी? देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर क्या भंडारी जी, तू मेरी बेटी की उम्र की है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगी ना? नहीं। देखो बेटा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है अपनी कहानी को गांव वालों के सामने बताने। कहीं मेरी मीना के ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ आ जाइए, आपको तसल्ली हो जाएगी। मैं आता हूँ। स्नेहा दी, ऐसा क्यों है कि जब भी किसी लड़की के साथ अत्याचार होता है तो सब ये पूछते हैं कि क्या हुआ, मगर किसने किया कोई नहीं पूछता। क्या मौसम है आज, और क्या हवा। हाँ बाबा जी, ये भी आप ही की कृपा है। सही कह रही हो बहन, जो तुमने बोला ना, ऐसा हो भी सकता है। बाबा जी, आप क्या मौसम की प्रीपेड पुड़िया बनाने लग गए हैं। बचपन में एक महान ज्योतिषी ने हमसे कहा था कि बेटा, जब तुम बड़े होगे ना तो खूब फूलोगे फलोगे, और वैसा हुआ भी होलसेल में। कैसे भाई, हमारा धंधा देख लो, है ना, जड़ी भी है, बूटी भी है, फल भी है, फूल भी है, और फूले हुए तो हम हैं ही, और फल भी, फूले फले। बाबा जी, आप भी ना मजाक करते हैं हट कर। और क्या कहा आपके उस विद्वान ज्योतिषी ने? और उन्होंने कहा कि तुम जीवन में ना दान के करण वीर बनोगे। बाबा जी, आप हमसे तो कह दिए, किसी और से मत कहिएगा। लोगों को ना दिल का दौरा पड़ने लगेगा, हार्ट फेल होने लगेगा। अरे भाई, अब चाहे हार्ट फेल हो या दिल का दौरा पड़े या कोई कुएं में कूद के मरे, हमने तो जनसेवा करनी है, जनसेवा। वही डॉक्टर स्नेहा माथुर की तरह एकदम दूध के धुले हुए हो जाएंगे। अच्छा। जय हो। यानी कि आप बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ कर ये कह रहे हैं कि आप सरपंच बनना चाहते हैं? अरे बहन, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। जब लोगों की सेवा करनी है, दान करना है, अच्छे कर्म करने हैं, तो भैया ये रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा, है ना? और बिना सत्ता के तो नियत्ता। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सरपंच जी से कह देंगे कि वो बैठ जाएं, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। इतना आसान नहीं है बहना, बहुत मुश्किल काम है, हमने कोशिश भी करके देखी थी। तो सरपंच जी ने क्या कहा आपसे? जो खाओ दिया है ना उन्होंने हमें, आज भी वो हरा है, हरा 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 भरा, आपकी जड़ी बूटियों की तरह। उड़ा लो बहना।
खूब मजाक उड़ाओ हमारा और खूब हंसो, जितना हंसना है हंसो। ये प्रायश्चित, इसका भी प्रायश्चित कर लेंगे, ठीक है? कैसे करोगी? ओफो, अरे सरपंच जी है ना, उनकी और हमारी बहुत बनती है, तो हम उनसे मिठास से विनती कर लेंगे तो वो मान भी जाएंगे। आखिर सरपंच जी का और हमारे परिवार का ना बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत सही है ना, कमाल की चीज हो तुम, मान गए। क्या है, है? अरे हम एक रिंग पर उठाए चाहे 10 रिंग पर उठाए, तुमसे मतलब? हाँ, कहीं हम भागे जा रहे हैं? अभी घर आ रहे हैं, फोन रखो। अरे पति परमेश्वर है? मतलब ऐसे बोलते हो तुम अपने उनसे? अरे टाइट करके रखना पड़ता है बाबा जी, अरे ढील छोड़ेंगे ना तो सर पर बैठ जाएंगे। वाह बहना वाह, मान गए, तुम भी महिलाओं की शशिकला, सशक्तिकरण, महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रेरणा हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बाबा जी। नमस्ते स्नेहा जी। नमस्ते स्नेहा दी, भंडारी जी, मीना के पिता। बैठी। कैसी है मेरी बेटी, क्या हुआ से? आपकी बेटी ठीक है, अभी सो रही है नींद की दवा लेकर। चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे हुआ क्या है, कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? कुछ नहीं, बस कमजोरी है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना है। जैसे ही शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा आप क्या करते हैं? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, आखिर उसे हुआ क्या है? आज हमने देखा मीना पर क्या गुजरी। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, एक बुनियादी सवाल उठता है, जब कोई बिन ब्याही लड़की किसी वजह से गर्भवती होती है तो ज्यादातर उसका जिम्मेदार मर्द होता है, पर फिर भी हम सब उसी लड़की पर उंगली उठाते हैं, यहाँ तक कि कई बार उसे अपने परिवार वालों का सहारा भी नहीं मिलता। एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर मीना को गर्भवती करने वाला लड़का आपका अपना बेटा होता तो आप उसे कितना दोषी मानते? मीना से कम, मीना के बराबर या मीना से ज्यादा? इस बात पर जरा गहराई से सोचिएगा। मीना के पिता भंडारी जी पर क्या गुजरी होगी, उनके मन में किस तरह के सवाल उठते होंगे। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Thank you.